एक्सप्रेसवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। यूपी के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से सुबह हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, लेकिन अचानक से तकनीकी खराबी होने पर पायलट ने हेलीकॉप्टर को बागपत के खेकड़ा थाना इलाके के रटौल गाँव से गुजर रहे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर उतार दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई पुलिस। पायलट और को पायलट दोनों सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद गाजियाबाद से तकनीकी दल बागपत पहुंचा और हेलीकॉप्टर को सही किया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर आगे के लिए रवाना हो गया। मामला था, कहां ही लैंडिंग हुई थी, क्या वजह रही इसकी? देखिए, जो चीज संज्ञान में आई है वो सुबह 8 बजे के आसपास एक चीता हेलीकॉप्टर जो हिंडन एयरबेस से चंडीगढ़ के लिए निकला था, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से उसे इमरजेंसी एयर स्ट्रिप जो हमारे यहाँ बनी हुई है मवीकला के पास पेरिफेरल पे, वहाँ पर उतारा गया। उसके थोड़ी देर बाद ही उनका दूसरा हेलीकॉप्टर जो तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए आया था वो भी वहाँ पर लैंड हुआ, और बहुत जल्दी उसकी तकनीकी खराबी को दूर कर दिया गया, और कम से कम 20 या 25 मिनट के बाद ही वो वहाँ से दोनों हेलीकॉप्टर उड़ गए। जैसे ही जानकारी मिली, वहाँ के थाना अध्यक्ष, चांदीनगर के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर, दो PRV की गाड़ियाँ और जो वहाँ चौकी इंचार्ज हैं वो लोग तुरंत मौके पर पहुँच गए थे। लेकिन जैसे ही ये संज्ञान में आया, बातचीत हुई चांदीनगर एयरबेस से भी, तो उसके आधार पर वहाँ पर फिर रह करके लोगों ने असिस्ट किया और बिना किसी समस्या के, बिना किसी तकनीकी समस्या के फिर से उनका टेक ऑफ हुआ। इसमें कोई किस तरह की हानि हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मामूली तकनीकी खराबी थी। और जो चीता हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है उसमें दो लोग ही थे, पायलट थे और को पायलट थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो हल्की तकनीकी खराबी थी जिसको सही कर लिया गया और वो समय से टेक ऑफ हो गया। थैंक यू।